हाय गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम टू राइट फूड राइट मूड। आज आपके साथ एक और नई रेसिपी, कुछ रेसिपीज पीछे मैंने डेजर्ट की शेयर की, तो सोचा आज कुछ चटपटा खिलाते हैं आपको। तो उसी के लिए आज मैं एक चटपटी सी ईज रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। कटोरी चाट बनाएंगे। इन कटोरीज को आप बनाकर रख भी सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स में, और जब भी आप सर्व करना चाहें अपने गेस्ट को, अपनी फैमिली को, तो बस निकालिए और फिलिंग अपने चॉइस का रखिए। और रेडी है आपकी कटोरी चाट, एक बहुत ही यमी स्नैक आइटम है। देखेंगे उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। उससे पहले फटाफट से हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, चलेंगे किचन में। कटोरी चाट बनाने के लिए जो कटोरीज हम बनाएंगे ना, उसके लिए डो लगा लेते हैं। ये किसी भी जिस भी आप कप से कटोरी से मेजर करेंगे, 2 कप्स मैंने लिया है मैदा। आप मैदा और व्हीट फ्लावर दोनों ले सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी ये कैरन सीड या अजवाइन। इसको क्रश करके डालेंगे तो फ्लेवर अच्छे से आता है। ये डालेंगे सॉल्ट, टाइम इंग्रेडिएंट को मिक्स कीजिए, और उसमें मोइन लगे इसमें डाल दिया है। मोइन आप रिफाइंड का डाल सकते हैं, आप घी का, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप मोइन घी का डालें, क्योंकि घी का मोइन लगाने से क्रिस्प अच्छा आता है। इनको अच्छे से थॉरली दोनों हाथ से मिक्स कर लेंगे। बहुत थोड़ा सा टर्मरिक डाल रही हूँ इसको अच्छी कलर देने के लिए। ये आप ड्राई इंग्रेडिएंट जब मिक्स करेंगे तभी डालें। मैं स्लिप कर गई थी इसलिए अभी डाल रही हूँ। और देखिए इस तरीके से ना आपका आटा बाइंड हो जाना चाहिए, मोइन उतना रहेगा। अब धीरे धीरे पानी ऐड करते हुए इसका एकदम सख्त डो हम लगाएंगे। चपाती का जैसे सॉफ्ट लगता है ना, पूरी का जैसे आप थोड़ा सा हार्ड लगाते हैं, वैसा सही आपको लगाना है आटा। तो पानी आप बहुत धीरे धीरे ऐड करेंगे। देखिए डो लग गया ना, इससे कम 15 से 20 मिनट रेस्ट करने देना एक बहुत ज़रूरी पार्ट है। तो इसको अभी ढक के अच्छे से रेस्ट करने देंगे। आपने देखा, इसको थोड़ा सा पंच करके स्मूथ कर लेंगे। और हो गया, इसमें से एक बॉल लूंगी और उसे प्लेटफॉर्म पे रोल कर लेंगे। ये रोल हो गया है, कुछ थिकनेस इस तरह की आप रखेंगे और इसको प्रिक कर लेंगे, ताकि जब हम फ्राई करें तो ये चपाती या पूरी के जैसे फूले नहीं। इसमें से मैं 2 राउंड निकाल लूंगी, दोनों राउंड्स हो गए हमारे। अब ये कटोरी जिस पे मुझे बनाना है ना, जिस साइज का, उस पे मैंने हल्का सा इसको ग्रीस कर लिया, फिर उसको टिश्यू से वाइप कर दूंगी हल्का सा। और इस तरीके से कटोरी पे मेक श्योर कि ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए। तो इसे मैंने अभी ऑयल गरम करने के लिए रखा है गैस पे, उसमें हम फ्राई होने के लिए डालेंगे। ऑयल में छोड़ते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये ऑयल गरम होना चाहिए, और फिर आप इसको मीडियम कर देंगे गैस को। जैसे ही थोड़ा सा फ्राई हो गया ना, तो ये बहुत इजीली कटोरी को छोड़ देगा। अब हम इसे ऐसे फ्राई करेंगे। हो गया एकदम गोल्डन फ्राई, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। इस तरीके से एक हार्ड सा शेल इसका बन जाएगा। तो रेडी है कटोरी चाट का फिलिंग, इसमें अब हम करेंगे। इनको आप बनाकर एयर टाइट, ठंडा होने के बाद एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व करके रख सकते हैं। कटोरी चाट के लिए ना फिलिंग असेंबल कर लेंगे। तो ये कुछ स्प्राउट्स हैं और पॉमग्रेनेट सीड्स हैं, अनार के दाने, वो इसमें डाल दूंगी। थोड़े से काबुली चने, छोले बॉईल किए हुए, वो ऐड कर रही हूँ। थोड़े से बॉइल्ड पोटैटो हैं, उनके पीसेस मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है। आप फ्राई करें या वैसे डालें, इट्स अप टू यू ओनली। ये कुछ पनीर के पीसेस, आप इसमें से कुछ भी स्किप कर सकते हैं और कुछ ऐड कर सकते हैं। डाल रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, प्लेन सॉल्ट, रोस्टेड जीरा पाउडर,
रेड चिली पाउडर, सब आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला, इसी ग्रीन चटनी, थोड़ी सी मीठी चटनी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टाइम टू असेंबल ऑल द डिलाइट्स। ये सारा फिलिंग जो हमने रेडी किया इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा फेंटा हुआ दही है जिसमें मैंने थोड़ी सी शुगर मिला के, दिस इज कॉल्ड स्वीटन कर्ड, मीठा दही, इसको टॉप कर दूंगी इसके ऊपर। इसके ऊपर डालूंगी थोड़ी सी ग्रीन चटनी वाली चटनी, थोड़ा सा काला नमक, जीरा, वही सब स्पाइसेस थोड़े से ऊपर से टॉप कर रही हूँ मैं, आप चाहे तो स्किप कर दें। नायलॉन सेव, पॉमग्रेनेट, एक पीस पनीर मैंने रख दिया। और रेडी है हमारी कटोरी चाट, ज़रूर बनाइए, खाइए और अपने फैमिली वालों को खिलाइए, और फीडबैक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमें ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। सी यू विद नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।